नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जहां सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं न्यायिक प्रक्रिया भी काफी हद तक बाधित है। लंबे समय के बाद हाईकोर्ट के निर्देश में अब 22 मई से अदालतों को खोले जाने की हरी झंडी दिखाई गई है। इसी क्रम में रामपुर में भी न्यायालय खोले जाएंगे, जिसमें जमानती के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की जाएगी। रामपुर की अदालतें कोविड-19 संक्रमण के चलते बंद थी। विशेष परिस्थितियों में महज एक न्यायिक अधिकारी द्वारा जरूरी मामलों की प्रक्रिया जारी रही, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश में पुनः जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, विशेष न्यायालय के अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को खोले जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जमानती प्रार्थना पत्रों की सुनवाई हो सकेगी। पेश है रामपुर से मुजासिम खान की खास रिपोर्ट। जैसा कि हमें डीएम साहब की आख्या मिली थी, रामपुर रेड जोन में है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के संबंध में अपने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो रेड जोन को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 22 तारीख से जनपद रामपुर में न्यायालय खोले जाएंगे। तो मैम, क्या क्या सुनवाई होंगी, किस तरीके की? अभी तो केवल नियमित जमानत प्रार्थना पत्रों पर ही सुनवाई होगी। अच्छा, क्या सोशल डिस्टेंसिंग? हाँ बिल्कुल, इसमें ये है कि सबसे प्रथम तो ये है कि वादकारी का प्रवेश, लिटिगेंट्स का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित रहेगा और इसमें अधिवक्तागण आ सकते हैं। जो हमारे न्यायालय कार्य करेंगे, माननीय जनपद न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के, तो उनके टाइम हम लोग मतलब टाइम डिवाइड कर दिए गए हैं कि कौन सा न्यायालय किस समय कार्य करेगा, और उसी से उन्हीं न्यायालयों से जिनकी जमानत प्रार्थना पत्र होंगे वो पहले कंप्यूटर पर दर्ज होंगे और उसके बाद उन पर सुनवाई होगी। और के अधिवक्तागण ही इसमें आ सकते हैं और सबको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के संबंध में जितने भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, सबका पालन बिल्कुल अनिवार्य होगा। और इस तरीके से एक हेल्पलाइन नंबर भी हमारे द्वारा जारी किया गया है, और जो भी जमानत प्रार्थना पत्र मतलब अधिवक्ता पेश करेंगे उस पे उनको अपना फोन नंबर लिखना अनिवार्य होगा। उनके प्रार्थना पत्रों पर कैसे कब सुनवाई होगी या उनके प्रार्थना पत्र पे जो नंबर वर्णित होगा उससे उन्हें सूचित किया जाएगा। वादकारी अपने अधिवक्तागण से संपर्क कर सकते हैं, न्यायालय में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा।